Hi everyone, KD here. Welcome to my channel KD Evolution, and today's topic is importance of shadow for batsman. कि shadow practice क्यों जरूरी होता है batsmanों के लिए. तो आज इस topic पे बात करेंगे हम. तो shadow के लिए सबसे पहले आप जो है एक mirror में आप जो है drills बताई जाती है कि आप mirror में जाके अपना bat का face देखें कि आपका वो सही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है. इस तरीके से तो आपको कोचेस बताते हैं कि आप किस तरीके से उसको शैडो प्रैक्टिस करनी है जिससे आप उसको इम्प्रूव कर सकें, अपने शॉट्स को, अपनी रिस्ट को, अपने बैट के फेस को, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो ये कि आपको शैडो प्रैक्टिस जो करनी है वो क्यों करनी है. उसके लिए सबसे बेस्ट रीज़न है कि ये कि आपको शैडो प्रैक्टिस करनी है कि अपने जो भी शॉट्स हैं, जो भी आप खेलते हैं, जो भी आपके फेवरेट शॉट हैं, उन शॉटों की आपको कहने का मतलब उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. क्योंकि जितनी बार आप उस चीज़ की प्रैक्टिस, किसी भी चीज़ की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सही डायरेक्शन में, वो उतना इम्प्रूव होगा. कहने का प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो उसके लिए आपको कि राइट प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है. प्रैक्टिस आप परफेक्ट तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस चाहें किसी की भी करें, खराब चीज़ की या बुरी चीज़ की, तो आप परफेक्ट हो रहे हैं उसमें, ठीक है. तो आपको सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है. तो आपको कहने का मतलब कि अगर आप शैडो करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को शैडो प्रैक्टिस करनी है स्ट्रेट ड्राइव की, ठीक. तो मैं उसको जितना ज्यादा बार करूंगा स्ट्रेट ड्राइव की शैडो, जितना ज्यादा बार मैं करूंगा उतना ज्यादा मैं इम्प्रूव करूंगा, ठीक है. एक चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी, कहने का मतलब मैं अपने आप पे एक महारत हासिल कर रहा हूँ कि मेरे को अगर ओवर पिच बॉल मिली, सामने विकेट्स के अंदर बॉल मिली, तो मैं उस पर सीधे स्ट्रेट ड्राइव मारूंगा और मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि जब मैंने उस पर इतनी मेहनत कर रखी है तो मैं उसको ईजिली खेल सकता हूँ, ठीक है. तो आपको जो भी शॉट्स की शैडो करें, चाहे आप कट की शैडो करें, कट की आप कम से कम, मैं कहता हूँ कि दिन में आप कम से कम कोई भी शॉट्स है आपको, तो कम से कम आपको 200 से 300 बार उसकी शैडो करें आप डेली, ठीक है. इस चीज़ में टाइम लगेगा आपको अगर, क्योंकि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आपका सपना है क्रिकेटर बनना है, अपने देश के लिए खेलना, IPL खेलना, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. और उसके लिए सबसे पहले आपको पूरी तरीके से डेडिकेटेड होना पड़ेगा अपने क्रिकेट के लिए, और उसमें मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. तो आप कम से कम शैडो के लिए आप कम से कम 1 से 2 घंटा डेली निकालें. आप देखेंगे क्योंकि नेट्स में हम बैटिंग करते हैं, जो हमें आता है सिर्फ हम वही करते हैं, लेकिन उसके लिए अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा. कुछ अलग करने के लिए बैट्समैन के लिए, क्योंकि उसको शॉट्स खेलने हैं, तो उसको शैडो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. अगर आप कट शॉट पे आपको दिक्कत है, तो आप कट शॉट की शैडो करें विद इन 1 वीक आपका वो शॉट जो है, जो आपका जो बैट फ्लो है वो प्रॉपरली आएगा और वो शॉट काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा. चाहे वो ड्राइव्स हो गई, चाहे वो कट हो गया, पुल हो गया, पंच हो गया, आपके जिस शॉट में भी दिक्कत है, आप उस शॉट को जितना हो सकेगा उसकी आप शैडो करें. आप देखेंगे कि जितना ज्यादा आप उस चीज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उतने ज्यादा वो इम्प्रूव होता जा रहा है, ठीक है. क्योंकि प्रैक्टिस जितनी आप हम करेंगे उतने हम इस चीज में अच्छे होते जाते हैं. तो इस चीज का आप ख्याल रखें कि शैडो, क्योंकि मैंने भी अपनी जो बडिंग डेज था जिसमें मैं अपना क्रिकेट कैरियर को लेकर चल रहा था, तो उसमें भी मैंने जितने हो सकता है मैंने उतने शैडोज करी और उसको परफेक्ट किया. क्योंकि एकेडमी पे एक प्रैक्टिस 3 घंटे की प्रैक्टिस अलग होती है, लेकिन उसके बाद जो मेरे को टाइम मिलता था घर पे, मैंने उसमें जितनी हो सकती है मैंने अपनी मिल्डिंग बॉल, हैंगिंग बॉल, शैडोज, तो उन सब पे बहुत काम किया. तब जाके मैंने उस शॉट को अपना परफेक्ट किया. उस शॉट में अपना जो कहना है कि मतलब कि अगर कोई बैट्समैन शॉट कोई खेल रहा है, तो उसको दिखने में अगर कोई सामने वाला देखे तो कहे कि यार क्या शॉट मारता है, ये क्रीम सा, जैसे कि बटर में से एक नाइफ जो होता है वो जाता है, उस तरीके का शॉट है. चाहे आप कवर ड्राइव मारें, चाहे कवर ड्राइव की आप शैडो करनी है तो आप कवर ड्राइव की शैडो करें, आप कट की शैडो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कट की शैडो करें, पुल की शैडो कर रहे हैं तो आप पुल की शैडो करें. तो कम से कम आप जितना हो सके कम से कम 200 से 300 ये शैडो की आपकी जो काउंटिंग होनी चाहिए पर डे. चाहे आपके टाइम अगर कम है तो आप पर डे 1 घंटा ही निकालें चाहे तो, लेकिन उसमें आप सेलेक्ट कर लें कि आपको कितने शॉट्स जो है वो इम्प्रूव करने हैं. अगर मेरे को कट पे दिक्कत है तो मैं कट पे ही मारूंगा 300, और मेरे को ड्राइव पे दिक्कत है, कहने का मतलब आप कवर ड्राइव चुन लें, आप ड्राइव चुन लें, चाहे कट चुन लें, आप 2 से 3 शॉट करेंगे आपका 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा उसकी शैडो. और आप देखेंगे जब आप उसकी शैडो कर रहे हैं तो आपका जो इम्प्रूवमेंट है, आपका जो बैट फ्लो है, आपकी जो बॉडी है और आपका बॉडी बैलेंस है, वो सब इतना इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी ग्रिप और आपकी रिस्ट सब मतलब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो पूरा क्रिकेट की तरफ जाएगा, अपने शॉट्स की तरफ जाएगा, ठीक है. तो आप देखेंगे दिन ब दिन आप इम्प्रूव कर रहे हैं, और आप मेरे को फिर कमेंट करके भी बताएंगे कि आप या वाकई में काफ़ी रिजल्ट्स मिल रहा है. क्योंकि मैं जो भी चीज़ आपको शेयर करता हूँ नॉलेज, वो अपने खुद का आजमाए हुए होते हैं ज़्यादातर, तो मैं उस बेस पे आपको बताता हूँ. तो आप भी इस चीज़ को फॉलो करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको कितना उससे फ़ायदा मिल रहा है. मैं वेट करूँगा आपके रिप्लाइज का. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.
और अपने जो भी आपने क्रिकेटर बनने का सोचा है तो उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहें, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने गेम को लेकर आगे चलें और अपनी पूरी मेहनत जो है वो इसमें लगा दीजिए, क्योंकि जो भी घर वालों ने आपको सपोर्ट किया है तो सपोर्ट का पूरा उनको जो है रिजल्ट दें, ठीक है, क्योंकि बहुत उम्मीद होती है घर वालों की भी इस चीज़ को लेके कि हमारा बच्चा एक दिन क्रिकेटर बने, क्योंकि उन्होंने इतना, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली गेम भी है। तो इस चीज़ का आप करें कि जो भी है आपके पेरेंट्स से लेकर आप खुद ईमान, आपके पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है ही आपके पास, और प्लस आप अपने क्रिकेट के लिए पूरे ईमानदार रहिए, उसके बाद देखिएगा आप कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपका डे बाई डे इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें और मेरे को ज़रूर, मैं आपके रिप्लाइज का वेट कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप करें और मेरे को आप बताएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।